हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ब्रेकआउट से पहले का लक्षण क्या होता है, यानी ब्रेकआउट से पहले मार्केट क्या इंडिकेशंस देता है, क्या लक्षण दिखाता है, वो यहां पे हम इस वीडियो में फाइंड करने जा रहे हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ब्रेकआउट के लिए पहले से तैयार रहोगे और किसी भी तरफ अगर हमें मोमेंटम देखने को मिला तो वहाँ पे हम पहले से तैयार रहेंगे और उस मोमेंटम से हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ब्रेकआउट के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं, ब्रेकआउट के जो लक्षण और इंडिकेशंस होते हैं कैसे हम उसको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और आप चार्ट पे देख सकते हैं, हम जो यहाँ पे चार्ट यूज कर रहे हैं सिप्ला का डेली चार्ट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डेली चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल में हमें ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलता है। तो जब कभी भी आप रिवर्सल के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन से पहले का सिम्पटम्स या फिर इंडिकेशंस या फिर लक्षण फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें डेली चार्ट पे आना पड़ेगा जहाँ पे हमें कैंडल में ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलता है। तो चलिए उसको यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो कैंडल फाइंड करना होगा जिसके अंदर आपको लगातार 3-4 कैंडल देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये कैंडल आइडेंटिफाई किया है, अब इस कैंडल के अंदर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 चार कैंडल हमें लगातार इसके अंदर ही देखने को मिला, यानी लिटरली आपको यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे हम इंतजार करेंगे इसके हाई पॉइंट को मार्क करके और इसके लो पॉइंट को मार्क करके। यहाँ पे हमने इसको हाई को मार्क कर दिया जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, हमने लो को मार्क कर दिया जो कि आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब जिस भी तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगा, यानी क्लोजिंग अगर हाई से ऊपर दिया तो यहाँ पे हम अपसाइड मूव के लिए तैयार रहेंगे, यानी यहाँ पे हमें ज़बरदस्त अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर क्लोजिंग ये लोएस्ट पॉइंट के नीचे दिया तो यहाँ पे हमें ज़बरदस्त ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, नीचे साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने इनसाइड बार पैटर्न को देखा, हम यहाँ पे बड़े मूव के लिए तैयार हैं। और जैसे क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिला, यहीं पर क्या करेंगे, हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, यानी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे और ये जो पॉइंट है ये मेरा SL यानी स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो क्लियर है, हमने क्या देखा है कि इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके प्राइस नीचे गया, तो हम इसी के आसपास क्या कर लिए, अपना एंट्री ले लिए सेल साइड की तरफ, ये पॉइंट मेरा SL होगा। और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं प्रीवियस ये लेवल है जिसे करीब मार्केट थोड़ा बहुत आपको रुकता हुआ दिखा, तो ये लेवल हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा। देख सकते हैं इस लेवल को इसने हिट भी किया है। अब यहाँ पे जो हमने सेल साइड की तरफ पोजीशंस लिया था वो लगभग लिया था 1000 के करीब, SL की बात करें तो SL है आपका 1040 के करीब। और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट प्राइस यहाँ से लगभग आपका जो लेवल्स पे बन रहा है 910 के करीब बन रहा है, यानी लगभग आपका जो टारगेट है वो 90 पॉइंट का टारगेट है। और SL की अगर हम बात करें तो SL जो हो रहा आपका लगभग 37 पॉइंट के करीब SL हो रहा और 90 पॉइंट का टारगेट प्राइस हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या देखना, सारे कुछ में हमें देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हद तक हमारे फेवर में ही है, तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और हम अच्छा खासा प्रॉफिट इस मूव से बनाएं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, कोई भी ऐसा कैंडल नहीं फॉर्म हुआ जिसके अंदर आपका 2-3 कैंडल हो, यानी इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमें यहाँ पर वापस से इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब यहाँ पर कैंडल कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल है और यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल है, कैंडल के कलर से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन बनेगा तो ऊपर साइड की तरफ देगा और रेड बनेगा तो नीचे साइड की तरफ देगा, कुछ भी हो सकता है, ग्रीन में भी नीचे साइड की तरफ दे सकता है और रेड में भी आपका ऊपर साइड की तरफ दे सकता है, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर देंगे जो कि आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, इसके हाई को मार्क कर देंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम इंतजार करेंगे
बिग ब्रेकआउट का, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या फिर नीचे साइड की तरफ बिग ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हमें ऊपर देखने को मिला है, तो हम क्या करेंगे, अगला कैंडल जहाँ पे भी ओपन हो देख सकते हैं इसके करीब ओपन हुआ, हम इसी लेवल के आसपास एंट्री ले लेंगे, यानी यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जो एंट्री लेंगे वो 940 के करीब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और SL जो हमारा होगा लगभग 900 करीब SL होगा 40 पॉइंट के करीब। और टारगेट प्राइस की अगर हम बात कर लें तो देख सकते हैं ये जो लेवल है ये हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा, और टारगेट प्राइस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000 का लेवल, जो कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसको इसने आसानी से टच किया, यानी यहाँ पे हमें लगभग 60 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया, और SL था मेरा यहाँ पे 40 पॉइंट का, तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे फेवर में था, 40 पॉइंट का रिस्क था और 60 पॉइंट का रिवॉर्ड था, तो ये रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम आसानी से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेली चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप चार्ट कौन सा यूज़ करें, तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वाला चार्ट यूज़ करें, और आप ये प्रीमियम चार्ट फ्री में ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, धन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम चार्ट फ्री में देता है, तो अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में है तो आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट को यूज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम लोगों को देखे होंगे कि चार्टिंग के लिए वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लेकिन फिर इसके बेसिस पे जब उनको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है तो वापस से अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब उस बीच में थोड़ा बहुत मूव मिस हो जाता है या फिर थोड़ा हमें टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो देख सकते हैं यहीं पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, सिंपल एक क्लिक पे आपका लिमिट ऑर्डर ओपन हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर ओपन हो जाएगा, SL वाला ऑर्डर ओपन हो जाएगा, जो भी आप ऑर्डर लेना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देखते हुए ये सारा आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको और जल्दी पोजिशंस लेना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा रेट देख रहे हैं और ब्लू देख रहे हैं, ब्लू पे क्लिक करने पे आपका बाय पोजीशंस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, और रेड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे आपका सेल हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड ट्रेडिंग व्यू को चार्ट को देखते हुए यहाँ पे आप बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम फीचर वाला चार्ट है वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में है। नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्रीमियम फीचर अगर आप अलग से ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ जाता है, तो अगर आपको ये प्रीमियम फीचर फ्री में चाहिए तो धन बेहतरीन आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे रहा, और धन में आप ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट फ्री में भी ओपन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर नहीं लगता है ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो हम ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम एक्सेस के लिए क्यों पेमेंट करें, हम डायरेक्टली धन में अकाउंट ओपन करके इस प्रीमियम फीचर का फायदा उठा सकते हैं, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देना था इसलिए यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आप भी इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम और देखें तो यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा कोई कैंडल हमें नहीं दिख रहा जिसके अंदर मल्टीपल कैंडल हमें दिखे जिसमें हमें अच्छा खासा बॉडी देखने को मिले, तो यहाँ पे भी आप इस कैंडल को भी ले सकते हैं, इसके हाई और लो को अगर हम मार्क कर दें तो इसके अंदर भी लगभग आपका 1, 2, 3, 4 कैंडल आ गया है, तो यहाँ पे भी हम तैयार रहेंगे, चाहे अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिखे या फिर नीचे साइड की तरफ ब्रेकडाउन दिखे हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा अल्टीमेट टारगेट प्राइस क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो SL होगा वो लगभग आपका 1000 के लेवल के करीब SL होगा, और जो हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं लगभग 960 करीब, यानी यहाँ पे जो SL बन रहा मेरा 40 पॉइंट करीब SL बन रहा है। टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 900 का टारगेट प्राइस बन रहा है, यानी टारगेट प्राइस यहाँ पे आपका 60 का है और जो SL है वो 40 का, इन्वेस्ट रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हद तक हमारे फेवर में, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। बस आपको वो कैंडल आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर मल्टीपल कैंडल देखने को मिले, यानी जिसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं, वो कैंडल आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें हमें अपसाइड या डाउनसाइड मूव का इंतजार करना, जैसे उसके हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाए आप बाई कर सकते हो, और लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाए आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो, और इस तरीके से आप बिग मूव के लिए आसानी से जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें सेम टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसके हाई को मार्क कर लिया और इसके लो को मार्क कर लिया,
प्राइस हाई को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे निकला है, तो इसी के आसपास हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 960 करीब, और हमारा जो SL होगा वो लगभग होगा 910 के करीब। यानी यहाँ पे जो SL है हमारा 50 पॉइंट करीब है, और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस होगा इस लेवल के आसपास होगा, और ये लेवल आपका 1040 करीब, यानी 1040 करीब यहाँ पे टारगेट प्राइस होगा। और यहाँ पे जो हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं लगभग 960 करीब एंट्री ले रहे हैं, तो 40 80 टोटल 80 पॉइंट के करीब यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर हम 80 पॉइंट्स की बात करें तो लगभग आपका ये 7% to 8% का रिटर्न यहाँ पे हमें क्विक सक्सेशन में, ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना नहीं पड़ रहा, हमें मिल रहा है। और 7% to 8% अगर आप मंथली रिटर्न भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न काउंट किया जाता है, ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और सेम रिटर्न अगर आप 6 महीने भी निकाल लेते हैं तो आप कंपाउंडिंग जोड़ के देखिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इसी तरह का हम दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं एंजल ब्रोकिंग के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसा कोई कैंडल नहीं बन रहा जिसके अंदर आपका 2-3 कैंडल का फॉर्मेशन हो। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि ये कैंडल भी हम ले सकते हैं, ये कैंडल ले सकते हैं, लेकिन इसमें उतना लॉन्ग बॉडी नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि हम प्रीवियस एग्जांपल में देखते हैं। तो लेने को इसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप टारगेट के लिए जाएंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई आपका इसी के आसपास बन रहा है, यही टारगेट प्राइस होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो SL बिग हो जाएगा और टारगेट काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड लेने अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और स्टॉक्स के एग्जांपल को देखते हैं, और यहाँ पे हम आ गए एंजल ब्रोकिंग के डेली चार्ट पे। हम सारा कुछ डेली चार्ट पे ही कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैंडल का मैच्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे अब हम वैसा कैंडल फॉर्म करें जिसके अंदर 2-3 कैंडल का फॉर्मेशन हो। तो आप बोल सकते हैं कि ये कैंडल भी है, ये कैंडल है, लेकिन इसमें बॉडी साइज काफ़ी छोटा सा है, लॉन्ग टेल है। तो जिस कैंडल में भी लॉन्ग टेल हो उस कैंडल को हमें कंसीडर नहीं करना, ये भी चीज़ आपको समझ के चलना। ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसा छोटा सा बॉडी वाला कैंडल बना दिया, इसका लॉन्ग टेल है, डैट मीन्स टू इसके अंदर भी कैंडल फॉर्म होगा तो उसको कंसीडर करेंगे, ये सारा कंसीडर नहीं होगा। हमें लॉन्ग बॉडी वाला कैंडल चाहिए, लॉन्ग टेल वाला कैंडल नहीं चाहिए। इस तरह का बॉडी वाला अगर कैंडल बनता है तो फिर हम इसके बेसिस पे वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड भी आपको चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं ये कैंडल को, अगर हम मार्क कर दें इसके अंदर भी लगभग आपका 3 कैंडल आए, उसके बाद हमें अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, लेकिन पहला टारगेट प्राइस क्या होगा देख सकते हैं, ये जो लेवल है ये हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस के रूप में काउंट होगा, और ये हमारा टारगेट हो गया। और SL की बात करें तो ये SL हो गया। तो आप क्लियर कट नेकटाई से भी देख सकते हैं SL मेरा यहाँ पे काफ़ी बिग हो रहा और टारगेट काफ़ी स्मॉल हो रहा, यानी यहाँ पे रिस्क मेरा काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा और रिवॉर्ड काफ़ी छोटा सा मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए इस ट्रेडिंग पोजीशंस को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी चेक करना, जब भी आपके फेवर में नहीं आए वहाँ पे अवॉइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे वापस से एक लॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब हमने इसके हाई को मार्क कर दिया और इसके लो को मार्क कर दिया। अगर लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे गया तो हाईएस्ट पॉइंट SL बनेगा, और फिर हम इस निगेटिव मूव के लिए यानी डाउनफॉल मूव के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स, ये सारे इंडिकेशंस, ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि आगे बड़ा मूव आने वाला, आगे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो बस यही लक्षण हमें आइडेंटिफाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए अपसाइड की तरफ प्राइस निकला है, तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ये पॉइंट मेरा SL के रूप में काम करेगा। टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो देख सकते हैं SL काफ़ी छोटा सा बन रहा है और टारगेट प्राइस काफ़ी बिग बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगभग 1500 तक के टारगेट प्राइस के लिए डेफिनेटली जाएंगे, और आगे हम देखते हैं कि 1500 के टारगेट को हिट किया है कि नहीं किया है। देख सकते हैं इसने आसानी से 1500 के टारगेट को हिट कर दिया, टाइम लिया है लेकिन इसने अच्छे खासे टारगेट को हिट किया, और यहाँ पे आप आसानी से लगभग 8% to 10% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसके लिए 1-2 महीने का इंतजार भी करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आप सफिशियंट प्रॉफिट निकाल लें। अगर आप मंथली बेसिस पे 4% का भी प्रॉफिट निकाल लें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। हम लोग तो मंथली बेसिस पे 1-2% का मिल गया तो वही सफिशियंट होता है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। अगर आप एनुअली बेसिस पे 15% का रिटर्न ले रहे हैं तो वो सफिशियंट रिटर्न होता है, जो कि अगर आप कंटिन्यूसली 5-10 साल अगर आप इस तरह का रिटर्न लेंगे तो आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप
सिर्फ 4% का रिटर्न अगर आपको मंथली बेसिस पर मिल रहा है, या फिर 2 महीने के इंतजार के बावजूद भी अगर आप 8 से 10% का रिटर्न ले रहे हैं तो सफिशियंट रिटर्न है, मोर देन इनफ रिटर्न है, और यहाँ पे आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अमाउंट नहीं देखना है आपको, यहाँ पे परसेंटेज देखना है, कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं कैसे आप ब्रेकआउट से पहले का लक्षण या फिर इंडिकेशंस फाइंड करते हुए आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।